हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों को यहाँ पे इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन पर यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे जब भी आप जो है किसी का भी प्रोफाइल में जाते हैं और वहाँ पे जो भी उन्होंने पोस्ट किया हुआ रहता है फ़ोटो वगैरह, उसको आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है यहाँ पर दिस पोस्ट इज़ अनअवेलेबल, तो इस तरीके से आपको जो है लिखा हुआ प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग जो है, अगर आपने बहुत दिनों से इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको क्या करनी है, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम रहता है वो अगर आपके फ़ोन पर नेटवर्क वगैरह नहीं रहती है या तो फिर अगर आपके फ़ोन का डेटा बंद रहता है तब आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन का डेटा ऑन है कि ऑफ है। ओके, तो ये सभी चीज़ें भी आप जो है चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आप लोग जो है अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ़ करिए और दोबारा से ऑन कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से आप यूज़ करके देखिएगा तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बट गाइज, यहाँ पे आप लोग इतना सब कुछ कर लेते हैं और फिर भी आपके फ़ोन पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब आपको यहाँ पे सेटिंग करनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार पे इंस्टाग्राम इस तरीके से आपको जो है लिख लेना है। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो है स्टोरेज पे जाइए और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से क्लियर कैचे कर लीजिए। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन परमिशन पे जानी है और यहाँ पे आप लोगों को जितना भी परमिशन मांगता है सभी का परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर लेना है। तो इस तरीके से आप जो है सभी का परमिशन अलाउ कर लीजिए। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वाईफाई और मोबाइल डेटा को इस तरीके से इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे इनेबल करेंगे तो गाइज, यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।